तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बच्चों का झूला, इसमें मैं नहीं आ सकती। वो मतलब ऐसा अच्छा इंसान है हमारा, जो जिंदगी में आया ना हमारी, अच्छा। हमारी जिंदगी वीडियोस बहुत अच्छी हो, वीडियो बनाने की क्वालिटी बहुत अच्छी हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। और आज हम लोग आए हैं पीएफ म्यूजियम। चुप कर बे कुत्ते। गाइस, आज हमारे पुराने दोस्त यार थे जो हमसे मिलने की काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, तो आज हमने पीएफ म्यूजियम बुला लिया है। हमने बोला चलो उनको बुला भी लेते हैं, मुलाकात भी होगी और वीडियो भी बन जाएगी आपके लिए। चलें उनका आने, तो उनका वेट करते हैं। कहाँ रह गए, कहाँ नहीं रह गए, फ़ोन करता हूँ उन्हें। ठीक है, चलो। गाइस, जैसे कि आपको पता हमारे दोस्त आ चुकी है, हम एक काम करते हैं, आज उसके हाथ में माइक देखते हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। वो बताइए हमें, और वो हमारा इंटरव्यू लेगी, पूछेगी कहाँ आए हो, कैसे हो, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, और वो खुद आज व्लॉग बनाएगी। उसके हाथ में आज अपनी ज़िंदगी दे देते हैं। क्या बात है, आ जाओ। तो गाइस, बिलाखिर जो है ना हमारी वो मेहमान पहुँच चुकी है जिसका इंतज़ार था काफ़ी देर से, और हमारे साथ है। अभी हम लोग आगे जाएंगे, तो थोड़ा आप लोग पीएफ म्यूज़ियम का जो है ना जगह बहुत अच्छी है आगे, तो हमारे साथ है, चलो आगे चलेंगे थोड़ा सा। हाँ, अभी तो हम एंटर हुए हैं, तो फिर आगे आप पूरा ब्लॉग देखते रहेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। फिर चलो, अभी तो हम एंटर हुए हैं पीएफ। ओके गाइस, ये हमारे फ्रेंड आ चुकी हैं, जैसे फयाज ने आपको बताया है, और हम पीएफ में। और कहाँ थी आप, कैसा हुआ, क्या कैसी ज़िंदगी चल रही है? मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है, और आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरने वाला है, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं ब्लॉग और पीएफ म्यूज़ियम का। तो वैसे तो आज संडे है, तो संडे के दिन ज़्यादातर तो यहाँ फैमिलीज होती हैं, जैसा कि आप लोग ब्लॉग में देखते रहेंगे। तो अभी तो हम इंटर हुए, अभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है, कहाँ कहाँ जाते हैं। और ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ इस पर ऊपर जाकर ना फयाज बैठेगा आज। जी जी, तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बच्चों का झूला, इसमें मैं नहीं आ सकती। तो अभी आगे और भी हैं, तो वहाँ पे भी है, आगे भी हैं, वो देखें उस तरफ भी। हमने एंजॉय कर लिया है, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया है हमने। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कैंटीन भी है, अगर आपको जाते जाते यहाँ पे भूख लग जाए और दिल करे कुछ खाने का, तो आइसक्रीम भी है और फ्राइज़ भी हैं। अगर आपको फ़ास्ट फूड चाहिए तो फ़ास्ट फूड भी है। अभी आगे चल के दिखाते हैं, बहुत कुछ है। जैसा कि आज हम लोग जो ब्लॉग बना रहे हैं वो चैनल के लिए फेस ऑफिशियल चैनल, तो आप लोग इनके ब्लॉग देखा करें, बहुत अच्छे ब्लॉग्स होते हैं, लाइक करें, शेयर करें। मैं खुद भी ब्लॉग देखती रहती हूँ, मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है इनके ब्लॉग। तो आज जो हमारा है ये पीएफ का ब्लॉग बन रहा है, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। तो जैसे कि हम लोग इतनी देर से तो हम घूम भी रहे थे, तो अभी हम लोग बैठे हैं रिफ़्रेशमेंट करने के लिए, कि थोड़ी देर बैठ जाएँ, तो बातें भी कर रहे थे हम, तो बहुत मज़ा आ रहा है हमें, तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग। और दूसरी बात ये है कि संडे तो रश बहुत हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा है यहाँ पर, रश बहुत हो रहा है। ये भी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कितनी फैमिलीज यहाँ आई हुई हैं, बहुत ज़्यादा रश है। संडे है ना, तो वैसे भी फैमिली डे होता है, तो कुछ लोग तो अपने ससुराल चले जाते हैं और कुछ लोग यहाँ घूमने आ जाते हैं पार्क में, जो कुंवार हो तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो गाइस, जैसे कि आज़म भाई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्यों, वजह बताओ। क्योंकि आप ज़्यादा भोग रहे हो ना। अच्छा, मैं अच्छा, पहली बात ये है कि खुशी का ठिकाना नहीं है, क्यों नहीं है, वजह क्या है, वजह ये है, आज पूरा खर्चा जो इन्होंने किया है, पूरा खर्चा खाने पीने का जो कर रहा है, अभी खाना भी खिलाएगा फैया। हमें ये बड़ी अच्छी बात कही आप, खर्चा करता हूँ कंजूस। आप बता, लंच भी हम लोगों ने किया है, रिफ्रेशमेंट भी अभी आप लोगों के सामने किया, इसके अलावा डिनर भी करेंगे। हाँ। और ये हमारा एक अजीब सा सन्नाटा है, हमारा दोस्त है, चुपचाप रहता है, कुछ बोलता नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये ऐसा मनुष्य इंसान, वो मतलब ऐसा अच्छा इंसान है हमारा, जो जिंदगी में आया ना हमारी, अच्छा। हमारी जिंदगी ऑफ कैमरा तो बहुत बोल रहे थे यार, ऑफ कैमरा बोलते हैं, अभी व्लॉग के स्टार्ट से पहले बोल रहे थे, अभी पता नहीं व्लॉग में क्यों चुप है, डरता है ना, अभी काट नहीं ले इसके। चलो आगे चलते हैं, बस बहुत हो गया, चलो चलो आगे चलते हैं। सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाना चाहिए सिला खान? यार, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मतलब ये ज़रूरी है कि आप लोग की वीडियोस बहुत अच्छी हो, वीडियो बनाने की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, और आप लोग लगातार वीडियोस अपलोड करें, ब्लॉग बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें अपनी यूट्यूब की फैमिली को। लेकिन इस अजीब जैसे जो है ना, अगर हमारे साथ होंगे तो कैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे? नहीं, ये तो दोस्त है ना आपके, और वो भी तो मतलब हमारे साथ ही ब्लॉग में ही हैं, और अभी दूर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, हमें देख रहे हैं। चलो आगे चलते हैं, मैं खौफनाक। आपने कहीं और जाना है? मुझे कहीं और नहीं जाना है, असल वजह ये है, नहीं है भाई, मेरे घर आ रहे हैं, घर क्या करूंगा घर वाले। शाबाश बेटा, यार व्लॉग बनाने आए, तो आज का संडे तो आप हमारे साथ गुजार रहे हैं ना, वैसे तो फैमिली का टाइम होता है संडे,
के साथ रहने में। देख सकते हैं खौफनाक मेरे साथ खड़ा हुआ है। और नहीं गाइस, वजह ये है कि आज बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं आज हम, कि वजह ये पी एफ आई है और हमारी दोस्त शीला वो साथ आई है। आप देख सकते जैसे कि हम लोग अंदर आ गए हैं, तो जो पीएफ म्यूजियम के अंदर जैसे जो जंग हुई थी उसके जो भी मतलब हमारे जो सिपाही थे उन सब के डमी बनी हुई है, ये भी हैं, अभी और भी हैं, और भी दिखाते हैं। गाइस जैसे आप देख सकते हैं हम लोग अंदर आ चुके हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हैं अभी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, हिस्ट्री वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरी फीट बनाई हुई यहाँ पे है। तो गाइस अभी आगे चलेंगे, आप लोगों को दिखाते हैं, चलो लेट्स गो, चलो आ जाओ, लेके आओ भाई, लेके आओ, जल्दी लेके आओ। ये देखो, दिखा दो इनको, दिखा दो अजीब अपने दोस्तों को, दिखा दो, देखो जो भी हमारे प्लान्स हैं। आजम भाई इधर दिखाना, जो आपके जो दादा था ना पहले 1965 में, अली का दादा, उसने ये जहाज उड़ाया था और आज उसकी जो ना डेमी बना के रखी हुई यहाँ पर। गाइस आप देख, F-16 ठीक है, चलो आगे चलते, आ जाओ। अभी हमने पीछे भी देखे हैं अपने पाकिस्तान एयरफोर्स के जो भी प्लेन्स हैं, ये भी देखें हमारी बहादुर कौम, उनके हमारे बहादुर ये प्लेन हमारे बहुत सारी हम लोग पीएफ म्यूजियम में, आप लोगों ने पहले भी हम लोगों ने ब्लॉग में दिखाया जो कि प्लेन बने हुए थे, यहाँ पे भी देखें पाकिस्तान आर्मी के प्लेन, बहुत सारे इनके मॉडल्स हैं यहाँ पर। और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि म्यूज़ियम में सारे इनके जितने भी हैं, बस नीचे लेवर नहीं है, मैं उठा के घर ले जाऊं, मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं ये। तो चलो इसको बाहर से दिलवा देंगे, दूसरा वाला नकली वाला दिलवा देंगे इसको, नकली वाले 1940 से 1945, ये देखो हाँ, वर्ल्ड वॉर ये जंग के हैं, मतलब 1940 से 1945। वही तो हमारे मतलब उस टाइम की जो जंग हुई थी 40, 45, 65। तो गाइस एक चीज़ आज मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, वो क्या चीज़ है आप देख के बड़े हैरान हो जाओगे, और वो है अली का दादा। अली का दादा ये बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं गाइस, अली का दादा, और ये जो है ना उड़ा रहा है, मकयानी उड़ा सकता है, और ये जो है ना वो क्या उड़ाएगा, प्लेन क्या उड़ाएगा, माशाल्लाह। आप देख सकते हैं, आपको कैसे लगा ये बताओ, बहुत अच्छा लग रहा है यार, तो यूरी पे देखें। अली का दादा कैसे लगा आपको, सारी वॉच भी रखी हुई है इनके साथ, हाँ इसकी वॉच दिखा दो, कौन सी पसंद आ रही है इसमें से। आजम भाई आपको कौन सी पसंद आ रही है, आजम भाई ये बताओ कौन सी पसंद आ रही है आपको। चलो चलो तो गाइस आज हम लोग जाएंगे जहाज में बैठेंगे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कराची से जा रहे हैं, कराची को बाय बाय करके कराची से जा रहे हैं लाहौर, आप देख सकते हैं पीछे जो ना प्लेन खड़ा हुआ है, और आज हम लोग जाएंगे, आप लोग भी दिखा देंगे। तो चलो आ जाओ आजम भाई, ये आजम भाई आप देख सकते हैं गाइस, आजम भाई ऐसे खूबसूरत तो है ही नहीं, ये आजम भाई, ये तो आप है लेकिन ये कौन है, और ये मैं हूँ, आप देख सकते हैं गाइस, चलो चलो आप ऊपर चलते हैं, बाय। तो आप लोग हमारे पीछे देख सकते हो कि पाक फोर्स के जितने भी ये स्पोर्ट्स वगैरह हैं, ये सब उनके लिखा हुआ है उनके बारे में, ये देखें करीब से अगर आप दिखा दो तो, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो स्कूल है ना, जैसे ये लिखा हुआ है कंबट कॉमर्स स्कूल, तो पी एफ म्यूजियम में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे मरियम मुख्तार की हिस्ट्री पूरी लिखी हुई है, जो कि लेडीज़ में पहली पाकिस्तान एयरफोर्स की पहली लेडीज़ है जो कि शहीद हुई है, मतलब वैसे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मतलब देखें हमारे हीरोज़ हमारे ही वतन के लिए देखें शहीद हो जाते हैं, तो हमें मतलब बहुत उनके प्राउड फील होता है। ये लिखा हुआ है सारा मरियम मुख्तार की हिस्ट्री लगी हुई है, और उनकी पूरी हिस्ट्री भी लिखी हुई है कि 24 नवंबर 2015 को इमरजेंसी फ्लाइट में उनकी मतलब डेथ हुई थी। तो ये हमारे हीरोज़ हैं हमारी मतलब बहुत अच्छी हैं, और ये देखें ये इनकी पर्सनल चीज़ें भी रखी हुई हैं यहाँ पर, और ये इनका यूनिफॉर्म रखा हुआ है यहाँ पर भी, और ऊपर भी इनकी पर्सनल चीज़ें रखी हुई हैं, और ये इनकी पूरी फुल मरियम मुख्तार की, मुझे देख के बहुत प्राउड फील हो रहा है। मतलब देखें जो लोग कहते हैं कि औरतें ज़्यादा काम नहीं कर सकती, मर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती, आप देख लें कि
कि औरतें भी कहीं किसी मर्दों के पीछे नहीं होती, तो देखिए इन्होंने वतन के लिए अपनी जान। यहाँ पे जो एंट्री पिक लगी हुई है ये एयरफोर्स के जो चीफ है जो रिटायर्ड हो चुके हैं। यहाँ पे जो है ये इसका नाम है मुजाहिद अनवर खान के भी रिटायर्ड, और ये जो है माशाल्लाह से ये चीफ होता है इसका एयर चीफ मार्शल दलील अहमद बाबर। आज जो ना ये भाई मेरे चैनल के बारे में कुछ अल्फाज आप लोगों को बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, सब अनस्क्राइब कर दो। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फैब ऑफिशियल जो चैनल है इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। क्या बात है, हर जगह जाते हैं, हर जगह घूमते हैं, ये सिर्फ एक ब्लॉगिंग के लिए, और इनका एक शौक भी है, और इंशाल्लाह आप ही लोग इन्हीं को कामयाब करोगे। अच्छा, मुझे तो आप जानते होंगे, लतीफ खान मॉडल प्लस एक्टर, और बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इनका सब्सक्राइब करें चैनल, और बहुत अच्छा अभी ये यहाँ मौजूद है। आई थिंक जगह नहीं बता सकते अभी आपको, लेकिन यहाँ मौजूद है, लेकिन इनसे मुलाकात है। और कैसे हैं आप, ठीक ठाक? अलहमदिल्ला बहुत मज़ा आया भाई। इनका चैनल बहुत सब्सक्राइब करें आप, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से काम कर रहे हैं, तो मेहनत भी इनकी चल रही है, तो थैंक यू सो मच। तो गाइस जो है ना फाइनली हम लोग व्लॉग एंड कर रहे हैं, और सिला मेरे जो है ना चैनल के बारे में कुछ बताएंगे। जैसा कि मेरा इनके साथ फर्स्ट ब्लॉग था, लेकिन बहुत अच्छा लगा, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। तो अभी हमारा ब्लॉग ख़त्म होने पे बिल्कुल एंड पे है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, और बाकी अगर कोई भी बात सही नहीं लगे, आप लोगों को लगे कि हम लोगों ने ब्लॉग सही नहीं बनाया, कुछ भी अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट्स करें, ना अच्छा लगे तो भी कमेंट्स करें। तो चैनल है फैज़ ऑफिशियल, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इनकी ब्लॉग की वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, आप लोग देखा करें कराची में, जैसे भी बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। अभी तो इन्होंने यहाँ स्टार्ट किए, तो आगे और भी जो कराची में अच्छी जगह हैं तो वो सबका बनाएंगे ब्लॉग और आप लोगों को बताएंगे।